ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ कल समाजवादी पार्टी के कलबा मुंब्रा अध्यक्ष सिकंदर खान सहित 32 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, तो वहीं मुंब्रा के आजमी हॉल में सपा के अबू हासिम आजमी आदिल खान ने ईद मिलन समारोह रखा था। इस ईद मिलन समारोह में आदिल खान को कलबा मुंब्रा का अध्यक्ष बनाया गया। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले सिकंदर खान ने अबू हासिम आजमी और आदिल खान पर कई आरोप लगाए थे, मगर वहीं कार्यक्रम में अबू हासिम आजमी ने कहा कि मुझे मुंब्रा से कोई मजबूत व्यक्ति की ज़रूरत है जो पार्टी को मजबूत कर सके, या फिर मैं मुंब्रा से पार्टी ही चलाना बंद कर दूं। मगर अब उन पर लगे आरोपों के बारे में जब पूछा गया तो क्या कहा अबू हासिम आजमी ने, और आदिल खान भी सवालों से बचते रहे और अबू हासिम की तरफ इशारा किया। नहीं नहीं, इसलिए सबको बुलाया गया था, बहुत सारे लोग हैं, सबसे पूछा गया यहाँ पे, तो समाजवादी पार्टी को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सबकी डिमांड के ऊपर मैंने फिर से हमारे आदिल आजमी साहब को यहाँ का स्तर बनाया गया है और ये कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी को यहाँ एकदम मजबूत बनाया जाए। इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो बात की बात है, लेकिन एक ताकत बनाई जाए, और अगर अलायंस नहीं होगा हमारा किसी से तो हम ज़रूर यहाँ से आदिल आजमी को लड़ेंगे। जैसे आज आपके पार्टी से आज 32 लोगों ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, जो यहाँ के कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष हैं सिकंदर साहब, उनके साथ में 32 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, तो उन लोगों का आरोप है कि आप उन लोगों की बातें सुनते नहीं थे और उन्होंने बिजली टोरेंट को लेकर आपको भी आंदोलन में बुलाया था, लेकिन आपने कहा कि जो है बिजली प्राइवेट तो होना ही होना है, तो आंदोलन करो या ना करो। ऐसा कि काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए, काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए, कोई रहजन नाम सफर हो जाए, यही जवाब इसका है। और अगले चुनाव में मुंब्रा में कोई कौन सा चेहरा रहेगा आपके? आदिल आजमी जो चेहरा लाएंगे या खुद रहेंगे या लाएंगे, आदमी के ऊपर है, जो सदर रहेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी है इसको करने की। के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो भी कलवा मुंब्रा का समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी अध्यक्ष बनता है आप उसके खिलाफ हो जाते हैं और पार्टी में ही रह के जो है आप बगावत करते हैं। मुझे तो नहीं पता, अब वो लोग बोल रहे हैं तो अलग बात है, भाई भाई बैठे हैं बाजू में, कभी मैंने कोई शिकायत भी नहीं की किसी की। ये पार्टी के कोई भी काम अगर रहता है तो आप अध्यक्ष के खिलाफ जो है आप आजमी साहब से करते हैं? आजमी साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लो, मैं भड़काता हूँ, बैठे हैं पूछ लो ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं भड़का बिल्कुल। जिन्होंने ये अध्यक्ष बनाया था इनकी गलती है, मैंने इनको डांटा है कि तुम बगैर परखे हुए लाके लोगों को अध्यक्ष बना देते हो। आदिल साहब की आदत है कि ये और लोगों को आगे करते हैं, खुद पीछे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है सर आपके ऊपर कि आपने जो है तय किया हुआ है कि भिवंडी से मैं और मुंब्रा कलवा से, तो तय तो करनी चाहिए, एक तो 100% आज कुछ है दिखाया ना कौन है जो उससे अच्छा है। अगर कोई गोंडी में मुझसे अच्छा लड़ने वाला मेरी पार्टी में, मैं खुदा कसम उसको टिकट देने को तैयार। अब वो तो बता रहा हूँ ना कि मैं टारगेट करूँगा तो भाई को मालूम रहेगा, ये लोगों ने बनाया है अध्यक्ष, लोगों ने अभी चुना, मैंने नहीं मतलब ये किया हूँ, ठीक है। एक तरफ जहां सिकंदर खान का आरोप है कि आदिल खान पार्टी में रहकर पार्टी के लोगों के खिलाफ अबू हासिम आजमी से शिकायत करते हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी की मुंब्रा शहर में एक बार फिर नैया डगमग हो रही है। एक साथ 32 लोगों का पार्टी छोड़ना यानी जोर का झटका धीरे से लगा है। अब आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।